नमस्कार। आपको आजकल जो ये ट्रेंड है काफ़ी पसंद आ रहा होगा कि हम प्लांट्स को जो है गिफ्ट करने लग गए हैं। इस टाइप के छोटे छोटे सिरेमिक कंटेनर्स या प्लास्टिक कंटेनर्स में आप देख रहे होंगे कि कई बार आप कहीं फंक्शन में या और कई ओकेजन्स पे हम या तो इस टाइप के प्लांट्स को हम गिफ्ट करते हैं, लिविंग प्लांट्स को, या आर्टिफिशियल भी करते हैं। परंतु वही है कि लाइफ जब तक है प्लांट में और आप उसे खुद से केयर करते हैं, उसे ग्रो करते हैं, तो वो आपको अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, इंस्टेड कि आप किसी प्लास्टिक के पॉट को रख के अपने घर की डेकोरेशन बनाएं। तो इस टाइप के कंटेनर्स जो हैं ये डेकोरेशंस तो हैं आपके घर के, प्लस साथ में आपका गार्डनिंग जो हॉबी है उसको भी आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये इंडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट्स अगर आपके पास हैं तो घर को तो प्योरीफाई करता ही है। आपकी जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है उसको एक अच्छा फीचर देता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं आप देख रहे हैं कि आमतौर पे ये जो प्लांट हैं हम इसे सिंगोनियम बोलते हैं। जो कॉमन सिंगोनियम आपने पार्क में देखे होंगे पेड़ों के नीचे, जो वहाँ पे ये ग्राउंड कवर बना देते हैं पब्लिक गार्डन्स में, वो सिंपल इसका सिंगोनियम का स्पीसीज, इसको हम सिंगोनियम पोडोफाइलम भी कह देते हैं। तो इसमें बहुत तरह की वैरायटीज़ आती हैं। ये जो आप वैरायटीज़ टाइम पे देख रहे हैं जिसमें कि हल्का हल्का सा आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पे वेंस है इसमें रेडिश टर्न कलर का हो रहा है धीरे धीरे, जैसे वो प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है। तो इस टाइप के प्लांट जो हैं आमतौर पर इनकी जो वैरायटीज़ होती है इसमें या तो आपको ग्रीन वाला कॉमन सिंगोनियम होता है जो कि आमतौर पे हम आउटडोर गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। इंडोर में हम ये सिंगोनियम की ये जो स्पीसीज है इसमें आप देखेंगे कि जो लीव जो हैं वो एरो की तरह होता है, तो इनको नॉर्मली हम सिंगोनियम एरो रूट भी कह देते हैं या सिंगोनियम रेड एरो रूट भी कह देते हैं। तो इस टाइप के कई वैराइटीज़ हैं सिंगोनियम की जिसको आप इंडोर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सिंगोनियम को कैलेडियम के साथ कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। कैलेडियम आमतौर पे वो ट्यूबर से हम लगाते हैं जो कि मार्च फरवरी उसका सीज़न होता है, और उसमें आप देखेंगे कि उसके प्लांट्स में थोड़ा लीव जो है इस टाइप के, ये जो उसका हाइंड पोर्शन है इस तरह का नहीं होगा, नॉर्मल अरबी लाइफ उसमें पत्ता होता है और बीच बीच में आपको वाइट और कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, वो कैलेडियम होता है जो कि नॉर्मली हम स्प्रिंग में लगाते हैं। ये वाला जो है ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम एरर रूट या सिंगोनियम पिंक रूट भी हम इसको कह देते हैं। बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, आप इसको अपने घर के किसी भी हिस्से में आराम से रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेंटेनेंस भी नहीं करना है, एक दो बस स्प्रे करते रहेंगे, जो भी आपके पास स्प्रिंकलर है, नहीं तो सिर्फ खाली कोलिन भी है तो उसके हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें बस आपने देखना है कि इसके अलावा एक और इसी तरह का एक पत्ता होता है, इसको हम स्पेथिलियम बोल देते हैं। उसमें क्या होगा कि पत्ता इस तरह का नहीं होगा, लिली टाइप का होगा, और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो हैं वो आते हैं स्पाइक्स में, बहुत अच्छा कलर वो देता है। तो कैलेडियम और सिंगोनियम रेड में आपने इसमें ध्यान, इनके दोनों अलग पौधे हैं। और तीसरा जो आप इसको कॉमनली एक और पौधा आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह के इंडोर गार्डनिंग में, वो है स्पेथिलियम। तो इस तरह के ये गमले जो हैं आजकल मार्केट में भी आप अलग से भी गार्डन शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। और मेंटेनेंस में बस आपको ये देखना होता है कि किसी तरह का इनके ऊपर अगर स्पॉट वगैरह आ रहा है तो वो मे बी कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए आप टाइमली उसमें स्प्रे कर सकते हैं केमिकल दवाइयों का, नहीं तो फिर अगर आप ऑल्टरनेटिव कोई प्लांट की थेरेपी यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो कॉमन आमतौर पर हमारा होम रेमेडियल मेजर होता है गार्डन पेस्ट मैनेजमेंट का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।